नमस्कार, बाइस स्क्रिप्ट देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं, जेबी केसेस के नेता मनोज यादव आज हमें गांधी मैदान में मिल गए हैं। अपने जब से जेबी केसेस राजनीति में आने का फैसला लिया है, शहर शहर घूम रहे, झारखंड के हर एक शहर जा रहे हैं। आज हमें हजारीबाग के गांधी मैदान में मिल गए हैं और आइए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ खास बातें पूछेंगे हम इनसे। सबसे पहले तो बाइस स्कोप में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको जो भी देखने वाले हैं उन लोगों को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि बायोस्कोप देखते रहिए, नया चीज़ मिलता रहेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अभी कुछ दिन पहले बड़खा गांव आए थे और वहां पर आपने एक बयान दिया है विधायक अंबा प्रसाद के लिए, कुछ ज़्यादा ही खफा हैं विधायक अंबा प्रसाद, क्या कहेंगे अपने उस बयान के लिए आप? हम सीधे बात कहेंगे कि वो हम पर आरोप लगाते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। हम तो सीधा बोलते हैं कि महिलाओं के सम्मान में मनोज यादव बैठा लग हजारीबाग के गांधी मैदान में। हम तो, मेरे भी घर में माँ बहन है, हमने क्या कहा कि अम्बा जी अगर अडानी का खंभा गड़ाया गोंदलपुरा में तो आपका विधायकी का खंभा कबड़ जाएगा। इसमें महिला का सम्मान और अपमान की बात कहाँ से? विधायक जी ने कहा कि आपने कहा कि उखाड़ देंगे अम्बा का खंभा। हाँ, अपने बयान पे कायम। अम्बा का खंभा मतलब का खंभा? कोनों का घरवा जा का खंभा कबाड़ देंगे कि उनका पिलरवा घर का तोड़ देंगे? अरे विधायकी का खंभा कबाड़ देंगे, ये कहना था। आप सिंपल भाषा बात कर रहे हैं और आप लोग जो है, या मैडम जी जो भी सोच रही हैं, मैडम जी को सबसे बड़ी बात है हमारे बात का जो इतना असर हुआ, जाके विधानसभा के सामने बैठ गई तख्ती लेकर के गोंदलपुरा के बचाव में, और वह गोंदलपुरा बचाओ अडानी भगाओ, यही चीज़ पहले कर दे तो मैं कहूँ बड़का गांव जाता है। इसलिए अगर यदि उनको सबसे बड़ी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझे ना। वो मैंने बोला, मैं खुद बोलता हूँ कि अम्बा जी अगर यदि यहाँ पर अडानी का खंभा गड़ाया तो आपका विधायकी का खंभा उखड़ जाएगा, सीधा मैंने बोला। यानी आप अपने बयान पर कायम? बयान पर कायम हूँ। और इसमें कहीं आपको लगता है खंभा कोई गाली है सो? लेकिन आपके इसी बयान को लेकर आपके ही एक नेता, जेबी केएसएस के नेता ने माफ़ी मांगी है और उन्हें खेद जताया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आप वो क्या किए कि नहीं किए सो तो मैं तो नहीं देखा हूँ, और हो सकता है उनका व्यक्तिगत रहा है, या बोले नहीं कि समझने का फेर है भाई, समझने का फेर है। ज़बरदस्ती कोई हम पर आरोप लगाएगा तो हम वह थोड़े ना मान जाएंगे। हमें तो बोल रहा हूँ अर्जुन, मैंने कोई गाली देने का बात थोड़ी कर दिया, या आप शब्द का प्रयोग क्या किया? हम बोले अम्बा उखाड़ देंगे खम्बा, कौन चीज़ का खम्बा? विधायकी का खम्बा। आप हमेशा ऐसे ही बयान से सुर्खियों में बने रहते हैं, इससे पहले भी आपने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर विवाद भी हुआ है। लोग जब भाषण सुनते हैं तो उस टाइम हंसते हैं, लेकिन बाद में वो विवादित रूप ले लेता है, ऐसे बयान देते क्यों हैं? जैसे आपके अनेक बयान हैं, आपने कभी किसी नेता के बारे में कुछ बोल दिया, कभी किसी, अभी अम्बा प्रसाद, किसी नेता के बारे में मैंने नहीं कहा। ये जो है आप बोल रहे हैं, चूंकि वहाँ पर वो वहाँ का विधायक हैं तो हम उन्हीं को बोलेंगे, हैं अम्बर। मेरे घर में अगर यदि मेरे पिताजी चाहे कुछ मांगना होगा तो किससे मांगेंगे? अपने गार्जियन से ना, तो वहाँ का गार्जियन वो हैं। अगर यदि मुख्यमंत्री से तो बोलते हैं, हेमंत है तो दिक्कत है तो बोल दिए हेमंत है, जो अच्छा कर रहे कहता हेमंत है तो हिम्मत बोलते थे, अब नहीं किए तो बोल दिए हेमंत है तो दिक्कत है। चुनाव में आने का फैसला लिए हैं, मनोज यादव कहाँ से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? पार्टी जहाँ से लड़ाएगी हम वहीं से लड़ेंगे, और जहाँ तक कि चुनाव लड़ने का कि क्या लड़ेंगे, कहाँ से लड़ाएंगे, क्या पद होगा, वो पार्टी निर्णय करेगी, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने डुमरी में जो थी वहाँ पे एक चुनावी सभा किया, वहीं पे थोड़ी दूर पे एक सभा हो रहा था मुख्यमंत्री का भी, काफ़ी चर्चा में रहा वो सभा, कैसे देखते हैं उसका? वही तो बोल रहा है कि वो सभा इसलिए चर्चा में था कि वहाँ पर लगाया गया था एसी, लेकिन भीड़ हुआ हमारे पास बेसी। बात समझिए कि हेमंत सोरेन जी लगाए थे अपने प्रोग्राम में एसी, लेकिन भीड़ लगा हमारे पास में बेसी, इसलिए कहे कि जनता मुझे चाहती है। और वहाँ पर जो है वो लोग सोच रहे थे कि ज़बरदस्ती सबको एसी लगा देंगे, ये कर देंगे, साड़ी बांट देंगे, धोती बांट देंगे, ये करके वो भीड़ जमा करना चाह रहे थे।
लोभ दे करके, लेकिन जनता जाग चुकी है। आप तेरे लोभ में फंसने वाले नहीं हैं, अब हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और अपना राज खुद चलाएंगे। डुमरी उपचुनाव में JBKSS ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है, कुछ लोग खफा भी है इससे, कैसे देखते? बोलते हैं कि आप वॉक ओवर दे रहे हैं उन्हें। नहीं, बहुत सारे हम जानते हैं और जितने भी हमारे समर्थक हैं उन लोगों को मैं समझाना चाहूँगा, और आपके बातों को हम सम्मान करते हैं कि आप हमको बार बार बोल रहे हैं नहीं वहाँ भी लड़िए, वहाँ भी लड़िए। मेरे मित्रों, एगो सीट से जीत करके आप जो है सो कल बदनामी फिर से हो जाएगी। लेकिन शायद आप एक सीट जीत कर आते तो लोगों में यह आस जगता कि हाँ चुनाव लड़ा JBKSS और एक सीट जीत गया, जहाँ पहली बार लड़ा जीत गया, आगे इससे आपको शायद फायदा हो सकता था। नहीं देखो, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हम भी जो बोल रहे हैं वो भी सही है। हम 3 महीना 4 महीना में हम क्या करेंगे? लेकिन आरोप तो ये है कि आप वहाँ इसलिए वॉक ओवर दे रहे हैं कि वहाँ पर टाइगर जो उनकी पत्नी आ रही हैं, जगन्नाथ महतो की पत्नी आ रही है बेबी महतो, उन्हें मंत्री बनाया गया है, मंत्री बनाने के बाद चुनाव में आ रही हैं और महतो बहुल क्षेत्र है, आप इसलिए उन्हें वॉक ओवर दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये चीज आप लोग अपने से बहुत सारा, इसलिए कि जयराम महतो कुर्मी है, वहाँ से टाइगर कुर्मी थे, दोनों टाइगर कुर्मी हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे आपके प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ अगर यदि आप किसी को भी लड़ा लीजिए, वह कोई पार्टी कोई की लड़ा ली, लेकिन हम लोग वहाँ पर चुनाव, हम लोगों को 81 में सरकार बनाना है, ये को लेकर के जीत करके हम केकर साथ में जाएंगे। बेबी महतो को कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे उनके बारे में? मंत्री बना दिया गया, अब चुनाव में भी आएंगे, आप उनके भी बारे में कुछ बोलिए तो कहिएगा, तो महिला का सम्मान करते नहीं, सम्मानित शब्दों के साथ कुछ तो बाबू आप देखिए यहाँ पर तो टैगार जयराम महतो जी वो ये कहते हैं, सॉरी जगन्नाथ महतो जी टैगर लोग बोलते थे, और जो भी झारखंडी सोच के थे, तो झारखंडी सोच के थे तो हम चाहेंगे कि उनको जो भी कुछ मिला है, उन्होंने जो कुछ खोया है और जो उन्होंने दर्द झेला है, तो उनके जगह में ये यदि उनको दिया गया है तो काफ़ी कम है। लेकिन अनुकंपा वाला बयान भी आप ही का था, अंगूठा छाप वाला बयान भी, ये अनुकंपा पर तो चलेगा भैया, राजनीति अनुकंपा पर नहीं चलती है। अगर यदि एक तरफ सिंपैथी, एक तरफ सिंपैथी, इसलिए देखिए आप देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम और आप दुश्मन हैं, क्यों फुटबॉल के दुश्मन हैं, आपके व्यक्तिगत दुश्मन हम नहीं हैं। राजनीति में भी जो है हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, कोई वाह क्या कहते हैं बेबी महतो जी हैं या जगन्नाथ महतो जी थे या तो क्या हेमंत सोरेन जी हैं या कोई और कोई पार्टी के हैं, उनका मैं व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ, हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज झारखंड में जो सो मुद्दे, आप जो सो मुद्दा को मुर्दा बना दिए हैं, इसलिए उस मुर्दे को जगाने के लिए हम लोग आए हैं, आप पुनः मुद्दा बनाएंगे और ये मुर्दों को हटाएंगे। एक सवाल और है मेरा, झारखंड के लाल रांची के राजकुमार को आप जानते हैं? रांची के राजकुमार नहीं। MS धोनी का नाम सुना है आप? हाँ, MS धोनी का नाम सुना, फैन है आप उनके? देखिए इसलिए भी फैन हूँ क्योंकि वो हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूँ अगर 60-40 नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात करेंगे आप लोग तो MS धोनी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए वो देश के लिए खेल रहे हैं और एक क्रिकेटर के रूप में हम उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आप बताइए पहले, खाली इतना क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अगर राजनीति में वो आते हैं तो कैसे देखते हैं? तो राजनीति में हमारे पार्टी में थोड़े जहाँ जाना जाए हम वैसे लोगों को नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। एक और क्रिकेटर हैं ईशान किशन, अरे भाई देखिए वो लोग बोल रहे क्रिकेटर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, देश के लिए खेलते हैं, देश का सम्मान करते हैं, और लेकिन वो झारखंड के लिए भी खेलते हैं, झारखंड के लिए भी खेलते हैं, खेलते हैं, खेल है, खेलना है। हम तो बहुत सारे बाहर के लोग जो है वो झारखंड से खेलते हैं और हमारे झारखंडे वाला झारखंड से नहीं खेल पाता। मेरा सवाल यही था आपसे, मेरा झारखंड का ही जो है कबड्डी का चैंपियन है लेकिन नहीं खेल पा रहा है, बाहर से जाकर हार करके लाया जाता है, ये झारखंडी का अपमान नहीं है? आप वहाँ से, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो यहाँ वाला कैसे उभरेगा?
क्या सत्ता में आइएगा तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान देंगे, हमारे झारखंडी का, हमारे झारखंडी पहले झारखंडी ऊपर होगा, ओकर बाद में जेकर ऊपर। आप बताएं झारखंड अलग कहा हुआ था जी? झारखंड बिहार से अलग किस लिए हुआ था? कि हम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े थे, वहाँ से हमारा विकास हो इसलिए अलग हुए थे। फिर वहीं पर आप मान लीजिए खूब सम्मान करते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, आपका खेतवा मांगेंगे, दे दीजिएगा। आप खाली अदर बोली खेत दे दीजिएगा, नहीं देगा कोई भी, कोई भी देगा, अपने बेटा को देगा ना। हम भी वहाँ वो धोनी जी का सम्मान करते हैं, ईशान किशन का सम्मान करते हैं, लेकिन हम खेत दे देंगे, अपना जमीन दे देंगे, झारखंड दे देंगे, ये नहीं होगा। आपने एक बयान दिया था कि अगर हम 12 सीट जीत कर आते हैं तो 12 मंत्री बनेंगे। हाँ। और किसी और को सपोर्ट करना है तो करें, कैसे देखते हैं ये अपने काहे नहीं देखेंगे? जब मधुकोड़ा निर्दलीय होकर के मुख्यमंत्री बन सकता है, आज का गुजराल जो है सो प्रधानमंत्री बन सकता है, देवगोड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है, हम लोग कहने देखेंगे सपने? फिर आपको कोई सपोर्ट ही क्यों देगा फिर, अगर उसके पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा तो? ओकरा होगा, इसीलिए तो सपोर्ट करेगा, नहीं फायदा होगा उन्हें ये भी। आज नहीं सपोर्ट हो वो, उसको फायदा होगा तो ना मत दे, फिर से चुनाव में अगर वो फिर से चुनाव में जाएगा, फिर से बहुमत ना मिला तो फिर गया ना। दिल्ली मॉडल को अपनाए हुए? हाँ, हम लोग इतना जाने दिल्ली मॉडल को अपनाए हैं और पूरा महाराष्ट्र में सब मॉडल अपना लिए हैं, देखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। आने दीजिए 2024 का चुनाव पता चले। एक लास्ट सवाल, 2024 के लिए क्या संदेश होगा लोगों के लिए? हम इतना ही कहेंगे, जितने भी हमारे JBKSS के समर्थक हैं, एकदम धैर्य के साथ में, ईमानदारी के साथ में, किसी को झोल फांस नहीं करना, किसी को ठगना नहीं है, और लोगों को आगे बढ़ाना है और लोगों को पार्टी में जोड़ना है, ताकि तमाम झारखंडी जो है विश्वास के साथ आगे बढ़े। 23 साल में पहली बार जागा है झारखंडी, और इस झारखंडी जो जागा है उसका हम लोग को सम्मान करना है और आगे बढ़ाना है। तो सुना है आपने, JBKSS के नेता मनोज यादव से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, और उन्होंने अपने अंबा प्रसाद के दिए बयान पे अपने आप को कायम रखा। कुछ और भी बातें हैं जिसका उन्होंने बेखूबी से जवाब दिया, अपनी इसी अंदाज के लिए ये जाने भी जाते हैं। आगे JBKSS से चुनाव में आ रही है, उन्होंने क्या रणनीति होगी वो भी समझाया, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22स्कोप, हजारीबाग। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है, यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JPMorgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।